दुर्ग पहुंचे प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने सभी विभागों की समीक्षा बैठक ली, जिसमें कुछ विभागों में कार्यों में पाई गई कमी तो उसको ठीक करने निर्देशित किया। दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने कलेक्ट्रेट सभागार में सभी विभागों की समीक्षा बैठक ली, जिसमें से बारी बारी सभी विभागों के कार्यों पर चर्चा की, जिसमें कुछ विभाग के कार्य में कमी पाई गई, जिसके बाद प्रभारी मंत्री ने उसे जल्द पूरा करने निर्देशित भी किया। साथ ही अन्य विभागों के कार्यों में अपनी सहमति जताई। इसी कड़ी में इस बैठक के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान प्रभारी मंत्री ने चुनाव को लेकर अपनी बात कहते हुए कहा कि अब की बार 75 पार। इस अवसर पर बैठक में शहर विधायक अरुण वोरा, दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल, भिलाई महापौर नीरज पाल, अन्य अधिकारी बैठक में शामिल रहे। इस संबंध में मीडिया के बीच प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज बैठक सभी विभागों की समीक्षा जो समय समय पर की जाती है, तो सभी विभागों के बारे में बहुत ही बारीकी से जानकारी ली गई है और कुछ विभागों में कुछ कमी नज़र आई तो उसको लेकर कहा गया है कि इसमें गति लाने की ज़रूरत है और बाकी कुल मिलाकर जो काम है वो काफ़ी संतोषजनक। वो कार्यक्रम बारे में जानकारी नहीं, अभी तो फिलहाल मैं समीक्षा के लिए। देखिए 2011 तक के सर्वे सूची में जिनका नाम था उसको 3200 करोड़ दिया जा चुका है और सारे पात्र लोगों को उनको पट्टे का जो पात्र हैं उनको पैसा मिलना प्रारंभ हो गया। अब बाकी का ऐसे लोग पात्रता सूची में जिनका नाम नहीं था और ऐसे लोगों के लिए 1 अप्रैल से छत्तीसगढ़ की सरकार ने खुद दोबारा सर्वे कराया है और आगे उसमें अब प्रक्रिया थी। अब उसको लेकर संबंधित स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित कर रहे हैं। देखिए ऐसा कोई खराब वाली बात नहीं है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है। अब ये तो मीडिया में अलग अलग तरीके से अपनी अपनी बात लोग करते हैं, लेकिन मेरी जो जानकारी में है बहुत मजबूत स्थिति है और अब की बार 75 पार। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।